देश पूरा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मना रहा है। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सरहदी बाड़मेर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सद्भावना शपथ का आयोजन किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों को बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने तो पुलिस के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीम सिंह भाटी ने सद्भावना शपथ दिलाई। पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मना रहा है। ग्रामीण बच्चों को मुफ्त आधुनिक शिक्षा देने के मकसद से प्रसिद्ध नवोदय विद्यालयों के शुभारंभ उनका वह कदम था जो आज देश के करोड़ों विद्यार्थियों की तकदीर संवार चुका है। भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर सरहदी बाड़मेर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सद्भावना शपथ का आयोजन किया गया। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों और कार्मिकों को बाड़मेर जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने दिलाई सद्भावना की शपथ। वहीं पुलिस के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खीव सिंह भाटी ने सद्भावना शपथ दिलाई। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं जाति भाषा का भेदभाव किए बिना कि मैं जाति संप्रदाय के बिना सभी भारतवासियों की और सद्भावना के लिए कार्य करूंगा। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म आज ही के दिन यानी 20 अगस्त 1944 को हुआ था। कट्टरपंथियों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद उन्होंने देश की बागडोर संभाल ली थी। वे देश के 9वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर 1984 से 1990 तक देश का नेतृत्व किया। एक चुनाव प्रचार के दौरान 1991 में तमिल चरमपंथियों ने उनकी हत्या कर दी थी। सद्भावना शपथ के दौरान कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।